तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और ये रेडॉक्स रिएक्शन जो चैप्टर है ये 11th के सिलेबस से बिलोंग करता है और ये एक फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। इसमें थ्योरी, न्यूमेरिकल, सारे टॉपिक, सारे तरह के हम लोग क्वेश्चन से डील करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो रेडॉक्स है ये रेड और ऑक्स से मिलकर बना हुआ है। रेड स्टैंड्स फॉर रिडक्शन एंड ओएक्स स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन, मतलब वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है, साइमल्टेनियसली होता है, वैसे रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो रेडॉक्स जो वर्ड है यही आपको बताता है कि रेडॉक्स रिएक्शन किस टाइप के रिएक्शंस होते हैं। तो हम अपने अपने चारों तरफ बहुत सारे रिएक्शंस को होते हुए देखते हैं, डे टू डे लाइफ में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो उनमें से बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं जो कि रेडॉक्स रिएक्शन से बिलोंग करता है, इसलिए ये चैप्टर हम लोगों को पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं, अच्छा आप लोग ये चीज देख चुके होंगे कि 9th या 10th क्लास में आप लोग रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में कुछ पढ़े होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपने थोड़ा मोरा पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा अच्छे एक्सपेंडेड फॉर्म में यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर देखेंगे, ठीक है। तो आपने समझ गया कि रेडॉक्स रिएक्शन जो है ये क्या है, वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है, मतलब दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। आप जैसे इसके एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे आप देखें कि अगर मेरे पर्स में कहीं से पैसे आ रहे हैं तो वो पैसे किसी ना किसी ने मुझे दिया होगा, ठीक है। तो उसके पर्स से पैसा निकला होगा, तो मेरे पर्स में पैसा आना और उसके पर्स से पैसा निकलना दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से अगर ऑक्सीडेशन होगा तो एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन होगा, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, टुगेदर होता है, और उसी रिएक्शंस को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन मतलब कहते हैं, ठीक है, ठीक। तो अब रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये चैप्टर हम लोग को पढ़ना क्यों है, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। उन सभी में बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं कि जो रेडॉक्स रिएक्शन से बिलोंग करता है, इनका कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, बर्निंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल, कोल और पेट्रोल डीजल, एलपीजी, सीएनजी एक्सेट्रा फॉर द ऑब्टेनिंग एनर्जी फॉर द ट्रांसपोर्ट डोमेस्टिक एंड अदर कमर्शियल पर्पसेस। तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग डे टू डे लाइफ में जो व्हीकल्स को यूज करते हैं, तो व्हीकल्स में जो एनर्जी ऑब्टेंड होता है जिससे व्हीकल चलता है वो किससे होता है, किससे चलता है, तो वो फ्यूल्स के बर्निंग के कारण होता है, फ्यूल्स का कम्बशन होता है। तो हम अपने लाइफ में जितने भी देखते हैं कम्बशन प्रोसेस है, पेट्रोल का कम्बशन हो रहा है, डीजल का कम्बशन हो रहा है, सीएनजी गैस का कम्बशन हो रहा है, वो सारा का सारा कम्बशन प्रोसेस ऑक्सीडेशन रिएक्शन से बिलोंग करता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दूसरा है, ये है करोजन ऑफ मेटल। तो अगला एग्जांपल है करोजन ऑफ मेटल। तो करोजन ऑफ मेटल में आप देखते होंगे कि रस्टिंग ऑफ आयरन होता है और कॉपर का करोजन होता है। तो ये बहुत सारे मेटल्स जो हम लोग लाइफ में यूज कर रहे हैं उनका करोजन होता है। करोजन प्रोसेस आप लोग जानते होंगे क्या होता है। इसमें करोजन प्रोसेस भी जो है वो एक टाइप का रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है ना। और अदर जो है ऑपरेशन ऑफ ड्राई एंड वेट बैटरीज, ये आपका ये जो ऑपरेशन ऑफ ड्राई एंड वेट बैटरीज जो है ये 12th का पार्ट है। 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में हम लोग ये पोर्शन पढ़ने वाले हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रो केमिकल सेल्स। तो फंक्शन एंड वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम लोग 12th के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ेंगे, और इनका भी जो बेसिक है वो रेडॉक्स रिएक्शन ही है, ठीक है। तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर, रेडॉक्स, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, वो सब सारे उसमें टॉपिक्स डील किया हुआ है। तो उसको भी समझने के लिए हमको ये चैप्टर जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बैटरीज का फंक्शन कैसे होता है, इसका वर्किंग कैसे होता है, ये भी इसी चैप्टर को पढ़ने के बाद समझ में आता है। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। अब देखिए
बहुत सारे ऐसे मेटल्स होते हैं जिनका हम लोग मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। आप लोग 10th में भी मेटल का एक्सट्रैक्शन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, और 11th में भी मेटलर्जी चैप्टर में ये टॉपिक पढ़ना है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का मतलब क्या होता है? जैसे आप जानते होंगे कि बहुत सारे मेटल्स जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, जैसे आयरन, उनका ओर से अर्थ क्रस्ट से ओर निकलता है रॉ फॉर्म में, और उस ओर से उन मेटल्स का एक्सट्रैक्शन होता है। तो उस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को ही हम लोग मेटलर्जी चैप्टर में हम लोग डील करते हैं। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो है वो भी रिडॉक्स रिएक्शन से बिलोंग करता है, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हो गया, आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का वर्किंग हो गया, कंबशन प्रोसेस हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे लिए जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो प्लांट्स करते हैं फूड बनाने के लिए, वो भी ऑक्सीडेशन से प्रोसेस बिलोंग करता है। रेस्पिरेशन प्रोसेस वो भी आपका इसी रेडॉक्स रिएक्शन से ही बिलोंग करता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जो हमारे आसपास होता रहता है, डे टू डे लाइफ में होता रहता है, जो कि इस चैप्टर से बिलोंग करता है। वो सारे रिएक्शंस रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम आगे अब चलते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन में आगे हम लोगों को पढ़ना क्या है। ये रेडॉक्स रिएक्शन, अब ये रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है? तो ये रेड और ऑक्स, ये दो टर्म से बना है। तो ये रेड जो हुआ स्टैंड्स फॉर रिडक्शन, एंड ओ एक्स स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन। ये दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से मिलकर ये रिडॉक्स टर्म बना है। और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे, ठीक है। लेकिन वो जो है क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, वो ओल्ड कॉन्सेप्ट है। हम लोग इसमें नया न्यू कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो साइंस में हमेशा नया नया चीज आता जाता है। तो आप लोग 11th में 9, 10 से थोड़ा सा हायर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसमें हम देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। इसके पहले देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो रिडक्स रिएक्शन क्या होगा? दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली एंड टुगेदर। वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है, साइमल्टेनियसली होता है, तो वैसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो दैट रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस टुगेदर एंड साइमल्टेनियसली, देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है या हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, ठीक है। तो हम पूरा फॉर्मूला, पूरा इसमें सेंटेंस नहीं लिख रहा, मैं एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं वो लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन होगा या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का एडिशन होता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ऑक्सीजन में
मैग्नीशियम ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, मतलब इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसलिए ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और हाइड्रोजन का रिमूवल का एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, जैसे H2S है और H2S को मैं डिकम्पोज कर दिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जानते होंगे थ्रू हीट होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है या इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उस केस में ये डिसोसिएट होकर H2 प्लस सल्फर में कन्वर्ट। अब यहाँ पे देख रहे होंगे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, तो ये दोनों प्रोसेस जो है आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम इस बात की है कि ऐसे सारे रिएक्शन नहीं हो सकते जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो, ऐसे भी रिएक्शन होंगे जहां पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। तो वैसे रिएक्शंस में हम क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे कि उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या रिडक्शन हो रहा है, तो ये न्यू कॉन्सेप्ट आया, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से उसमें ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है रिडक्शन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन के केस में होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन के केस में होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब किसी भी रिएक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है रिडक्शन कहते हैं। बट ये दोनों चीज साइमल्टेनियसली होता है, एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है दूसरा इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, इसी प्रोसेस को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए रिडक्शन, रिडक्शन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, मतलब इसमें ऑक्सीडेशन का जस्ट रिवर्स होगा, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। फॉर एग्जाम्पल H2 प्लस I2 इज इक्वल टू 2HI। अब इसमें देख रहे होंगे जो आयोडीन है उसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो एक न्यू सब्सटेंस बन गया हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, इसलिए यह प्रोसेस क्या है रिडक्शन प्रोसेस है। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिंक ऑक्साइड, इसमें कार्बन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन क्या करेगा जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का रिमूवल करा देगा और बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और जिंक सेपरेट हो जाएगा। इसका आप देख रहे होंगे कि जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, इसका मतलब है कि जिंक ऑक्साइड का क्या हो गया रिडक्शन हो गया और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। और जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है इसलिए जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन होगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं जिंक ऑक्साइड रिड्यूस्ड कार्बन ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन के केस में जैसे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, इसको हम लिखेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस और रिडक्शन के केस में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। वैसा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हो उस केस में उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जिसमें इलेक्ट्रॉन का गेन हो या एडिशन हो उसको रिडक्शन बोलते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, जब हम ऑक्सीडेशन का देखेंगे जैसे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 282 होता है, ठीक है। आप जानते हैं कोई भी एलिमेंट जो है रिएक्शन क्यों करता है, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए करता है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा,
ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, मतलब अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और ये Mg प्लस 2 बना देगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन। और जैसे आप जानते हैं कि फ्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 9 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इसका 27 होता है, ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, तो फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन करता है और ये बन जाता है F माइनस। तो यहां पे आप देख रहे हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो ये एग्जांपल हो गया रिडक्शन का। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, जैसे जिंक ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ये बन जाता है जिंक ऑक्साइड, ठीक है। फॉर एग्जांपल सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 281 होता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ये और ये बन जाएगा Na प्लस, ठीक है। ये सब मैं जो आपको एग्जांपल बता रहा हूं ये सब ऑक्सीडेशन का है। इसी तरह से आप ले सकते हैं पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 281 होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इस पे चार्ज आ जाएगा प्लस 1। तो ये सब जो चार्ज आ रहा है ये सब इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। उसी तरह से रिडक्शन के केस में आप देखिए, तो जैसे सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो होगा 286 होगा, ये क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। मैं इधर थोड़ा सा गलत दिखा दिया, ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, ये बन जाएगा एस माइनस 2। उसी तरह से अगर कोई जिंक का आयन है Zn प्लस 2, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो ये बन जाएगा Zn, 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे। तो ये प्रोसेस जितने भी हैं ये सब क्या है, रिडक्शन है। और ये जो प्रोसेस है ये ऑक्सीडेशन है। उसी तरह से देखते हैं जैसे Fe प्लस 3 ये एक इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो ये बन जाएगा Fe प्लस 2, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस जो है ये रिडक्शन प्रोसेस है। अब आगे हम लोग देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है वो हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको लिखवाता हूँ। एजेंट का मतलब क्या होता है, एजेंट का मतलब होता है जो दूसरे का वर्क करता है, ठीक है। जैसे टिकट एजेंट, टिकट एजेंट क्या करता है, दूसरे का टिकट, रेलवे टिकट या प्लेन का टिकट काटता है, ठीक है। उसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, द एजेंट द रिएजेंट विच ऑक्सीडाइजेस अदर्स इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, द रिएजेंट विच रिड्यूसेस अदर्स इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम लोग देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है OA का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, RA का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। मैं लिख देता हूं, रिड्यूसिंग एजेंट। द रिएजेंट विच ऑक्सीडाइजेस अदर्स, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा वो खुद रिड्यूस हो जाएगा। एंड रिड्यूसेस इट्सेल्फ,
दूसरे शब्दों में अगर हम बोलें इलेक्ट्रॉन्स के केस में, तो यहां पर रिड्यूस इटसेल्फ मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके कारण कोई दूसरा सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो दूसरा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज करेगा और वो खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के टर्म में हम क्या अब ये बोलेंगे, द रिएजेंट विच गेन इलेक्ट्रॉन, वो सब रिएजेंट या वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे, द रिएजेंट विच रिड्यूसेस अदर्स, ठीक है, रिड्यूसेस अदर्स। थोड़ा सा हैंडराइटिंग गलत हो गया तो मैं इसको थोड़ा सुधार देता हूं, विच रिड्यूसेस अदर्स एंड हो जाती है, हम लोग से भी कुछ कुछ गलतियां हो जाती हैं, क्या कीजिएगा, रिड्यूसेस अदर्स एंड ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ, वैसा रिएजेंट जो कि दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बोले द रिएजेंट विच लूजेस इलेक्ट्रॉन, आप समझ रहे हैं, यहां पर मैंने लिखा है वो रिएजेंट जो कि खुद ऑक्सीडाइज होता है दूसरे को रिड्यूस करता है, तो खुद ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, ठीक है। तो यहां से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर कोई रिएक्शन में कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और कोई सब्सटेंस अगर रिड्यूस हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, एक दूसरे से उल्टा होता है, रिवर्स होता है, ठीक है, हम लोग टेबल भी बना लेंगे, ठीक है। तो इसके एग्जांपल हम देते हैं, जैसे जिंक CuSO4 के साथ रिएक्शन करता है तो उस केस में रिएक्शन होगा ZnSO4 और Cu बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में देखिए जो ऑक्सीडेशन नंबर है, अभी आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पढ़ाए हैं, ऑक्सीडेशन नंबर आगे पढ़ाएंगे, जो भी एलिमेंट प्योर एलिमेंट होता है या फ्री एलिमेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, ठीक है। तो ये कॉपर और जिंक का जो एलिमेंट है उनका वो 0-0 होगा, और कॉपर का यहाँ पे +2 होगा और सल्फर के ऊपर SO4 के ऊपर -2 होता है, यहाँ पे इसके ऊपर भी +2 होगा और इसके ऊपर -2 होगा। अब यहाँ पे देखिए जिंक 0 से +2 में जा रहा है, मतलब यहां पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब जिंक का आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन अगर मैं दूसरा कलर देखता हूं, हाँ, अब यहां पर देखिए कॉपर, कॉपर जो है यहां पर +2 में था, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 0 हो गया, तो ये क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हुआ, ठीक है। तो इस केस में यहां पे जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है वो जिंक है, और जो रिड्यूस हो रहा है, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है और जो रिड्यूस हो रहा है CuSO4 है। अब आप ऐसा नहीं कहेंगे कि सिर्फ कॉपर रिड्यूस हो रहा है, कॉपर यहां पे रिड्यूस हो रहा है, आप ऐसा नहीं बोलेंगे, ये CuSO4 एक कंपाउंड है, एक फैमिली है, तो ये पूरा का पूरा सब्सटेंस एक साथ रिड्यूस होगा, ठीक है। तो हम यहां पे एक साथ इसको लिखते हैं, ऑक्सीडाइज्ड, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड है, जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, इतना हम लोग लिखते हैं। तो देखिए यहां पर
जिंक जो है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है, CuSO4, तो CuSO4 रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, तो जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जस्ट उल्टा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हो जाएगा वो CuSO4 होगा, और रिड्यूसिंग एजेंट जो हो वो होगा जो ऑक्सीडाइज होता है। तो इस केस में तो आप इसको याद रखने का बहुत आसान तरीका है, ये उल्टा होता है, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, बहुत आसान है।